पूर्व छात्र ने किया प्रेम प्रसंग के चलते शिक्षक शिवचरण सेन की हत्या। झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना क्षेत्र के गिरधरपुरा सरकारी विद्यालय से घर लौट रहे हड़ौती के जाने माने कवि और शिक्षक शिवचरण सेन की अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी थी। मामले का आज झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने खुलासा कर दिया। हत्याकांड में गिरधरपुरा सरकारी विद्यालय का एक पूर्व छात्र ही मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने वारदात में शामिल कुल 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त हथियार और घटना के बाद लूटी गई शिक्षक की बाइक को भी बरामद कर लिया गया। झालरापाटन थाना परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गत 4 अप्रैल को गिरधरपुरा सरकारी स्कूल में सेवारत शिक्षक व जाने माने हड़ौती भाषा में कवि शिवचरण सेन की विद्यालय से घर लौटते समय गिरधरपुरा मार्ग पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा, डीएसपी ब्रजमोहन मीणा, कोतवाली तथा झालरापाटन थानाधिकारी सहित करीब 100 पुलिस जवानों की टीम दिन रात अनुसंधान में जुटी रही। इस दौरान घटनास्थल के 10 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, तो वहीं हजारों मोबाइल नंबरों को भी एनालिसिस किया गया। घटनास्थल के आसपास एक्टिव मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया और विद्यालय के स्टाफ तथा छात्रों सहित ग्रामीणों से हुई पूछताछ पर कड़ी से कड़ी मिलाते हुए पुलिस ने वारदात में शामिल 3 नाबालिग आरोपियों को कोटा शहर से डिटेन किया। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर शिक्षक की हत्या में प्रयुक्त किए गए चाकू तथा शिक्षक की बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधरपुरा में सेवारत शिक्षक शिवचरण सेन ने विद्यालय में अध्ययन कर रहे एक छात्र के साथी छात्रा से प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने पर आरोपी छात्र को स्कूल स्टाफ और छात्रों के सामने फटकार लगाई थी, जिसके बाद छात्र को टीसी देकर स्कूल से निष्कासित कर दिया था। आरोपी छात्र तब से ही शिक्षक शिवचरण सेन से बदला लेने की फिराक में था, लेकिन शिक्षक अन्य साथी शिक्षकों के साथ एक कार से आते थे, ऐसे में उसका मौका नहीं लग पाया। गत 4 अप्रैल को शिक्षक बाइक से स्कूल आए थे, जिसकी जानकारी आरोपी पूर्व छात्रों को थी। ऐसे में वे सभी मार्ग में घात लगाकर बैठ गए और स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक को गिरधरपुरा मार्ग पर घेर लिया और चाकू से बुरी तरह गोदकर नृशंस हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी तीनों नाबालिग पूर्व छात्र मृतक शिक्षक की बाइक लेकर फरार हो गए। इस दौरान वह पहले मध्य प्रदेश के रतलाम गए, जहाँ से बाइक की नंबर प्लेट बदलकर कोटा पहुँच गए, जहाँ पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी तीनों नाबालिग पूर्व छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि कहीं वारदात में अन्य लोग भी तो शामिल नहीं रहे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तवर की रिपोर्ट। 4 अप्रैल को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। झालावाड़ जिले की पूरी पुलिस, सभी अधिकारी इस केस में लगे हुए थे। इस पूरी ही घटना का पटाक्षेप आज पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। इसमें 3 नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया गया है। इनमें से एक लड़का उस विद्यालय का पूर्व छात्र है जहाँ पर ये पढ़ाते थे। इस घटना का मोटिव ये रहा है कि इन्होंने, मृतक अध्यापक ने किसी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग होने की वजह से इस लड़के को टोका था और उसके घर पे भी बात पहुँचाई थी, और कालांतर में उसी इशू को लेके इस लड़के को उस विद्यालय को छोड़ के जाना पड़ा था। तो उस एक चीज़ को मन में लेके ये उनके प्रति दुर्भावना रखता था और उसी का बदला लेने के लिए इस घटना को इसने अंजाम दिया। मैडम, कैसे गिरफ्तार किया इनको, कैसे, किस तरह से? इसमें पुलिस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों ही फ्रंट पे काम कर रही थी। घटना स्थल का BTS उठा के सारे संदिग्ध नंबरों पे भी हम लोग काम कर रहे थे। आसपास के जितने भी लोग संदिग्ध थे सबकी CDR एनालिसिस की जा रही थी। उसी के साथ साथ पुलिस की एक टीम उसी गाँव में थी, वहाँ से लोगों से जितनी चीज़ें आ रही थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे। इन सारी ही चीज़ों से 3 संदिग्ध लोगों के इसमें चीज़ें आई, उन पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस अपनी जारी रखी। तो हमें लेट नाइट इनपुट मिला था, जब इन्होंने पहले अपने फ़ोन बंद किए हुए थे, इनके फ़ोन चालू हुए तो इनके लोकेशन कोटा आई। उसमें कोटा सिटी पुलिस के सहयोग से इनको डिटेन किया गया और फिर इनसे पूछताछ की गई। इनकी पूछताछ के आधार पर इनकी निशानदेही पर मृतक अध्यापक की जो बाइक थी जो ये मौके से ले गए थे वो भी बरामद कर ली गई है, और उसी के साथ साथ इस वारदात में जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए थे उनको भी बरामद कर लिया गया है।